हेलो गाइस, मैं हूं नील और आप देख रहे हैं नीज ब्लॉग। और आज मैं आ गया हूं दास ऑटोमोबाइल्स में, और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे अच्छे बाइक्स और स्कूटर्स का कलेक्शन दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर कोई भी जानकारी आपको एडिशनल चाहिए स्कूटर या बाइक के बारे में, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने। तो चलिए, और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ एक पैशन प्रो खड़ा हुआ है, तो इसका डिटेल्स बता दीजिए। ये हीरो हॉन्डा पैशन प्रो है, 2010 का गाड़ी है। अच्छा, इसका आपको 30,000 में आ जाएगा। ओके। गाड़ी का कंडीशन ऐसे ठीक है, लेकिन गाड़ी का थोड़ा उम्र हो गया, बस यही बात है, लेकिन गाड़ी का कंडीशन अच्छा ही है। और ये कितना किलोमीटर चला हुआ होगा? ये कितना किलोमीटर मतलब दिखा रहे हैं आपको, 29,000। ओके, ठीक है, इससे ज्यादा ओनली 29,000 किलोमीटर चला हुआ। और कितना आपने बताया प्राइस इसका? आपको 30,000। ओके, और इसमें ईएमआई हो जाएगा? 30,000 में नहीं आएगा। इसमें ईएमआई नहीं होगा, कैश में लेना पड़ेगा। ये जो 2000 हम बोले ना, जितना गाड़ी है 2015 के ऊपर ही होना चाहिए, तब इससे फाइनेंस होगा। ठीक है, 2015 का नीचे वाला गाड़ी कोई भी फाइनेंस नहीं होगा, कैश में लेना पड़ेगा। कैश में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख पा रहे यहाँ पे यामाहा का एक स्कूटर है, इसके डिटेल्स बता दीजिए। हाँ, यामाहा ये रेजेड गाड़ी है। ठीक है, ये 2014 का गाड़ी है मॉडल। अच्छा, इसका आपको 35,000 में आ जाएगा। अच्छा, ये गाड़ी ऐसे कंडीशन में ही है। ठीक है, और ये कितना किलोमीटर चला हुआ है? ये आपका चला हुआ है वही 24,500। ओके, 24,500 किलोमीटर ओनली चला हुआ गाड़ी, वो भी इतना अट्रैक्टिव प्राइस में आप ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पेप प्लस खड़ा हुआ है, तो इसका डिटेल्स बता दीजिए। ये आपका गाड़ी 2015 का गाड़ी है। ओके, ये आपका फाइनेंस हो सकता है, लेकिन इसका रेंज बहुत कम है, 28,000 ओनली। ओके, सो ओनली 28,000 में पेप प्लस। ओके, और इसका मतलब ये कितने साल का है? 2015 का है। ओके, ये भी 2015 का गाड़ी है। ओके, और इसका कंडीशन तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही अच्छा है, मतलब स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अच्छा ही गाड़ी क्वालिटी। ओके, और इसके बाद और एक गाड़ी यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लैक का टीवीएस का, इसका डिटेल्स बता दीजिए। ये 90cc गाड़ी है, 2014 का गाड़ी है। ठीक है, इसका माइलेज आपको अच्छा ही मिलेगा। अच्छा, ये गाड़ी आपको 30,000 में आ जाएगा। ठीक है, ये ओनली 30,000, उसका 28, इसका 30। ओके, ठीक है। और इसका मतलब पर किलोमीटर कितना चला हुआ होगा भैया? किलोमीटर वही 19,000 समथिंग। ओनली 19,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी, इसका भी कंडीशन अच्छा ही है। ठीक है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ गाड़ी का कंडीशन तो एकदम ही अच्छा है। और ये वाला गाड़ी लेडीज लोग के लिए अच्छा है, मतलब हल्का गाड़ी है। हल्का गाड़ी है ये, लेडीज लोग सीखने के लिए भी ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं है। हाँ, उसके बाद आप बड़ा गाड़ी ले सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये सीखने के लिए अच्छा गाड़ी है। और उसके बाद यहाँ पे और एक MATT देख पा रहा हूँ, इसका डिटेल्स बता दीजिए। ये आपका 98 का गाड़ी है। ओके, ये गाड़ी आपका सीए मतलब पेपर प्रॉपरली जो पेपर है ये आपका सब कम्प्लीट किया हुआ है। हाँ, गाड़ी कंडीशन में है। अच्छा, ये भी आपको 13,000 में ही आ जाएगा। ये भी 13,000 में ओनली। हाँ, MATT गाड़ी ये आपका माइलेज भी मिलेगा, पिकअप कम, 80cc गाड़ी है, टू स्ट्रोक गाड़ी है। और इसका माइलेज कितना होता है भैया? 45, अंडर 45। मतलब जिन लोगों को सीखना है या मतलब रूरल एरिया में चलाना है उनके लिए अच्छा। माल उल ढोना है, माल अच्छा से बैग में 40-80 किलो माल ढोना है इसकी। अच्छा। उस सबके लिए ये गाड़ी ठीक है। ठीक है, अब ये वाला जो गाड़ी है ओनली 13,000 में ऑफर कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक होंडा का गाड़ी खड़ा हुआ है, इसका डिटेल्स बताइए। होंडा स्टाना है, ये 2014 का गाड़ी है, गाड़ी मतलब कंडीशन में ही है, खराब नहीं है उतना। अच्छा, ये आपका 2014 का गाड़ी है, ये आपको 33,000 में आ जाएगा। सो ओनली 33,000 में, 33,000 में ओनली, 33,000। ओके, और ये मतलब कौन से ईयर का और कितना किलोमीटर चला हुआ है भैया? ये 2014 का गाड़ी है, और किलोमीटर जो है इसका दिखा रहा है आपका वही 27,000 समथिंग। ओनली 27,000 किलोमीटर चला हुआ है, जैसे कि देख पा रहे हो नॉर्मली कंडीशन तो अच्छा ही है। और इसका माइलेज कितना है भैया? इसका माइलेज आपको 50 से 55 दे देगा, 50 से 55 तक माइलेज ये गाड़ी में। और इतना जो प्राइस आप ऑफर कर रहे हो उसमें तो उसके बाद और कुछ बोलने का है तो आपका वो आप लोग का चैनल के नाम पे आएंगे। ओके, तो थोड़ा बहुत कम हो ही जाएगा, ये आपको 32 भी हो सकता है, 31,500 भी हो सकता है, मतलब आपने ये आस्किंग प्राइस बताया। हाँ, आस्किंग। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक येलो कलर का TVS खड़ा हुआ है, अपाची, तो इसका डिटेल्स बता दीजिए। ये 2008 का मॉडल है। ये 2008 का मॉडल है, इंजन तो अपाची का बहुत अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, और आउटसाइड लुकिंग देख लीजिए, ठीक ही है। हाँ, ये आपको 30 के अंदर ही आ जाएगा, ये भी 30,000 के अंदर आ जाएगा। और ये कितना किलोमीटर चला हुआ है भाई? किलोमीटर जो दिखा रहा है 32,000। सो ओनली 32,000 किलोमीटर चला हुआ है। और कौन से ईयर का बताया आपने? 2008 का। ओके, 2008 का। और ये गाड़ी आप 30,000 में ऑफर कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं।
और आप लोग कच्चा दिल गलाम लेंगे तो भी एक दो इधर उधर हो ही जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एक होंडा का एक्टिवा खड़ा हुआ है, इसका डिटेल्स जान लेते हैं। ये भी 2012 का गाड़ी है, इसकी आपका आ जाएगा 32,000 में। होंडा एक्टिवा, ठीक है। और ये कितना किलोमीटर चला है? ये किलोमीटर जो भी चला वही 30 के अंदर ही है, 30,000 चला हुआ है। और ये गाड़ी ऐसे कंडीशन में है, ठीक है। ओके, 2012 का गाड़ी है और ये भी आपने 33,000 बताया, ठीक है। और पेपर वर्क जो भी है भैया वो सब आप ही कर देंगे ना? हाँ, पेपर तो ऐसे सभी है। okay. लेकिन ये जो सेकंड हैंड जितना गाड़ी है हा? इसका ज्यादातर से आपका इंश्योरेंस और पॉल्यूशन है, दोनों चीज फेल रहता है। अच्छा, ठीक है। ये आप अपडेट कर सकते हैं, इंश्योरेंस के लिए कोई आपका अलग से चार्ज नहीं लगता है। अच्छा। जो अलग जो स्टार्टिंग प्राइस है वही लगेगा। okay. ठीक है, इतना दिन फेल है इसके लिए फाइन लगेगा, फाइन भी नहीं लगता। ठीक है, 2005 का गाड़ी है लेकिन इसका पेपर पूरा सेफ, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो होता है उसको बनाया हुआ है। गाड़ी ओनली 19,000 में आ जाएगा, उसमें आपको मिलेगा डिस। अच्छा। हाँ, डिस मिलेगा, व्हाइट कलर गाड़ी, सेल सब कुछ आएगा। अच्छा। लेकिन चक्का जो है स्पोक चक्का है। अच्छा, मतलब अलॉय व्हील नहीं है, मगर डिस्क है। हाँ, डिस है, डिस है, सेल्फ है, सब कुछ है, ठीक है। ये ओनली 19,000 में आ जाएगा लेकिन पेपर वर्क पूरा एकदम कम्प्लीट है। पेपर जो लेने के 15 साल के बाद एक तो सेफ होता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। अच्छा, वो भी किया हुआ है गाड़ी। ओके, मतलब कुछ अलग से खर्चा करने का जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है, 19,000 रुपए लेके ये चला है। ओके, तो और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो और एक टीवीएस का स्कूटर खड़ा हुआ है। टीवीएस वो एक गाड़ी है ये, हाँ, ये भी 2017 का BS4 मॉडल गाड़ी है। अच्छा, ठीक है, इसका आपको दाम लगेगा 45,000। ये गाड़ी ज्यादा चला नहीं है, कंडीशन देखिए पूरा एकदम न्यू कंडीशन में ही है। ये ज्यादा उम्र नहीं है, 4 साल उम्र चल रहा है इसका। ठीक, तो मतलब इसमें तो EMI हो जाएगा ना? हाँ, 40, हाँ जरूर जरूर। ये 45,000 दाम है तो इसका आप मिनिमम 15,000-16,000 डाउन करके ले सकते हैं। ठीक है, और ये कितना किलोमीटर चला हुआ बताया आपने? कितना किलोमीटर? ये 10 से 10,500 चला हुआ। ओनली 10 से 10,500 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी, और वो भी इतना अच्छा प्राइस आप ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो बजाज पल्सर है 2015 साल का, ब्लैक एंड रेड में, ठीक है। ये गाड़ी भी कंडीशन में, 30,000 चला हुआ गाड़ी है। ये आपका आ जाएगा 38,000 में। ओनली 38,000 में पल्सर, वो 150। ठीक है, और ये कितना चला हुआ बताओ? ये आपका चला हुआ 30,000। 30,000 ओनली, 30,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी 38,000 में। 30, और प्राइस इसका आप बता रहे 38,000। और आप लोग का चैनल का नाम अगर कीजिएगा तो वहाँ पर आपको 1-2,000 कम हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 100 यामा का सैल्यूटो गाड़ी है, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन है, पूरा दिखाई ये गाड़ी एकदम मस्त गाड़ी है, माइलेज का गाड़ी है, 65 माइलेज देता है, 2016 का गाड़ी है। ये गाड़ी आपको 35 तक आ जाएगा। अच्छा, ओनली 35,000 में गाड़ी। अच्छा, वो भी यामाहा का। हाँ, यामाहा का, ठीक है, ये कंडीशन में गाड़ी है। आ, जो कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये वाला गाड़ी में तो कोई स्क्रैचेस वगैरह भी कुछ नहीं है, ये कस्टमर यूज किए हैं, मतलब बहुत अच्छा से यूज किए हैं। अच्छा, ठीक है, ये गाड़ी इसीलिए अच्छा है। और ये कितना किलोमीटर चला है भैया? ये आपका दिखा रहा है जो 40,000 समथिंग। ओके, अच्छा, और आप ऑफर कर रहे हैं ओनली 35,000। यामा का गाड़ी जो इंजन है जल्दी खराब नहीं होता, ये टाइट गाड़ी होता है। ठीक है, उसके बाद एक तो गाड़ी देखिए बजाज 180, बजाज पल्सर 180, ये भी 2014 का ही गाड़ी है, कलकत्ता नंबर ही गाड़ी है। अच्छा। ये भी आपका 38 में ही आ जाएगा। ओनली 38,000 में पल्सर 180। ओके, मतलब यहाँ पे गाइस जो कि मैं देख पा रहा हूँ भैया जिस प्राइस में गाड़ी ऑफर कर रहे हैं उसके बाद और कुछ बोलने का है नहीं। आप एक बार शोरूम में विजिट कीजिए, खुद से एक बार गाड़ी देखिए, उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो गाड़ी लीजिए। और नील्स ब्लॉक का नाम करके अगर आप शोरूम में आएंगे तो भैया आपको 500 से 1,000 रुपये का और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ऑफर करने वाले हैं। तो यहाँ पे और एक गाड़ी मैं देख पा रहा हूँ पल्सर, इसका डिटेल्स बता दीजिए। ये भी 2014 का गाड़ी है। ओके, हाँ, ये गाड़ी आपका मतलब हुगली नंबर की गाड़ी है। ये गाड़ी आपका आ जाएगा 35 तक। 35 में पल्सर 150, और इसमें तो डिस्क भी है, देख पा। डिस्क है, सेल्फ है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, और ये कितना किलोमीटर चला है? ये आपका चला है 35,000 करीब। ओके, और आप कितने में ऑफर कर रहे हैं? 35,000 में। ओनली 35,000 में पल्सर मिल जाएगा 2014 का। हाँ, 150, वो भी डिस्क ब्रेक भी है। डिस्क ब्रेक भी है, सब कुछ है, डिजिटल मीटर है, सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए बजाज डिस्कवर ST 125 वाला। अच्छा, ठीक है, ये गाड़ी मस्त कंडीशन में है, ज़्यादा चला हुआ गाड़ी नहीं है, 32,000 दिखा रहा है। ओके, ये गाड़ी आपका पीछे का टायर वाला एकदम कंडीशन में, मोनो शॉकर, एक ही तो शॉकर होता है इसका, सस्पेंसर। अच्छा। बहुत अच्छा होता है। ये आपका गाड़ी 2012 का है,
32,000 में आ जाएगा। ओनली 32,000 में 125 सीसी का गाड़ी। एसटी मॉडल 125 एसटी मॉडल। ये जो है आपका क्या बोले इसके डिस्क सब कुछ है। इसमें डिस्क भी है। हाँ, ये 50 से 55 माइलेज देता है। ओके, और ये कितना किलोमीटर चला हुआ होगा भैया? 32,000 किलोमीटर चला। 32,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी। और आप कितने में ऑफर कर रहे हैं? ये आपका दे रहे हैं 32,000 में। 32,000 में ये वाला गाड़ी आप ऑफर कर रहे हैं, वो भी इतना अच्छा कंडीशन का विद डिस्क और 125 सीसी का। उसके बाद एक ही तो मोनोशॉक का है इसका। अच्छा, मतलब इसका जो है गाड़ी चलाने में मजा आता है, मतलब कोई यहाँ पे दर्द उर्द नहीं होता है। एक ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए होंडा यूनिकॉर्न गाड़ी है। हाँ, ये 2012 का गाड़ी है, होंडा का गाड़ी। ये भी मोनोशॉक का ही गाड़ी है। डी सेल्फ सब कुछ ही है। हाँ, ये गाड़ी आपका 32 तक आ जाएगा, 2012 मॉडल। और ये कितना सीसी का है भैया? 150 सीसी का। 150 सीसी का गाड़ी है और 32,000 में इसको भी आप ऑफर कर रहे हैं। और इसमें भी तो मैं देख पा रहा हूँ डिस्क वगैरह सब। 150 सीसी का यूनिकॉर्न गाड़ी सबको जानता है, ये बहुत अच्छा गाड़ी होता है। अच्छा, ठीक है। और ये कितना किलोमीटर चला हुआ बता आपने? आपको दिखा रहा है तो बहुत कम, 8,600 कितना दिखा रहा है। लेकिन ये नहीं, इससे ज्यादा ही चला होगा, मीटर का तार काटा होगा इसीलिए कम दिखा रहा है। ठीक है। और वैसे कि जो कंडीशन में यहाँ पे देख पा रहा हूँ गाड़ी का, वो तो अच्छा ही है। मतलब जिन लोगों को लो बजट में गाड़ी खरीदना है वो ये सब गाड़ियाँ लेके चला सकता है। लेकिन होंडा जो यूनिकॉर्न गाड़ी है ये आपको 50 के करीब माइलेज देता है। ठीक है, ये माइलेज भी है। अभी पेट्रोल का जो प्राइस है उस हिसाब से अभी तो दिखा रहा है 94 अभी। हाँ, ये 100 रुपया हो जाएगा 2021 तक। हाँ, और ये जो है ये सब गाड़ी एकदम मस्त 150 सीसी गाड़ी में होंडा यूनिकॉर्न मस्त गाड़ी है। यहाँ पे देखिए 180 बजाज पल्सर दिखा रहे हैं आपको, ब्लैक कलर का, फुल ब्लैक। ठीक है, ये 25,000 चला हुआ गाड़ी है, लेकिन 2010 साल का गाड़ी है, 2010 का मॉडल है, लेकिन गाड़ी एकदम पूरा कंडीशन में है। ठीक है, ये गाड़ी आपका 33 तक आ जाएगा। ओनली 33,000 में पल्सर 180 आपको मिल जाएगा। और इसका कंडीशन भी मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही अच्छा है, गुड कंडीशन है। टायर वगैरह भी एकदम अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा है, इंजन तो एकदम मस्त है इसका। ठीक है, इसमें भी डिस्क वगैरह सब कुछ है मैं देख पा रहा हूँ। गाड़ी बैठ बैठ के उम्र बढ़ाया घर में, मतलब ज्यादा चला नहीं है। ठीक है, इसका उम्र ही हो गया, 2010 का गाड़ी है, 10-11 साल उम्र हो गया, लेकिन गाड़ी एकदम मस्त गाड़ी है। ओनली 25,000 किलोमीटर ही चला है। कितने में ऑफर कर रहे हैं भैया आप? ये आपका 33 तक आ जाएगा। ओनली 33 में बजाज पल्सर 180। ठीक है, यहाँ पे एक तो देखिए होंडा एक्टिवा 2012 साल का गाड़ी है ये। अच्छा, ये गाड़ी आपका बहुत, मतलब क्या बोले, 31,000 चला हुआ गाड़ी है, गाड़ी का कंडीशन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आपका 28 तक आ जाएगा। ओनली 28,000 में एक्टिवा, होंडा एक्टिवा आ जाएगा। ठीक है, 2012 का है। और इसका मतलब किलोमीटर कितना चला है? 31,000। ओनली 31,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी, बस। मतलब कंडीशन तो मैं इसका भी देख पा रहा हूँ बहुत ही अच्छा है, ये भी ठीक है। सो गाइज, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।